तो दबके रहोगी ना तो तुम्हारे फ्यूचर पर, तुम्हारे करियर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तुम मेरे लिए ड्रिंक बना रहे थे ना, बना दो। ओह वाह, कमाल के फोटोग्राफ कीजिए तुम्हें यार। थैंक यू, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। यू आर अ वेरी नाइस पर्सन अश्विन। जाना चाहती हो? अब मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। क्या सोच रही हो तुम? आर यू फीलिंग गिल्टी? कम ऑन, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो होना ही था। लोग खुलकर एक्सेप्ट नहीं करते, बट व्हेन टू पीपल लाइक यू It was very natural. पर नहीं, तुम जैसी समझदार औरत जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, कहीं मुझे गलत तो नहीं समझ रही? या फिर अपने आप को? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुमने मानस को चीट किया है, उसको धोखा दिया है, उसका भरोसा तोड़ा है? यही सोच रही हो ना? But then why do you forget कि मानस और सिमरन ने ऐसा कई बार तुम्हारे साथ किया है? और ये कॉलेज के टाइम से चल रहा है। चलता हूँ। ओके बाय। सुनो, तुम ख्याल रख रही हो अपना, तब दवाइयाँ वगैरह सही टाइम पे ले रही हो? एवरीथिंग डॉक्टर नहीं होती ना तो दवाइयाँ नहीं खाती। प्रोटेस्ट कर लेती मैं, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे ना दवाई पूछता ना ही ग्लव्स दूँ। पहली बार बाप बन रहा हूँ ना,
दूसरी बार होगा ना जब बच्चा, फिर देखना मैं 10 out of 10 स्कोर करूंगा। अच्छा, तो दूसरी शादी भी बेहतर ही होगी तुम्हारे लिए, ज्यादा एक्सपीरियंस भी होगा। एक्चुअली नॉट अ बैड आईडिया, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, फिर हमारे हिस्से की जितनी लड़ाई है मैं वहाँ कराऊंगा। दिन भी लिए और बाय। सुनो किरण ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों नहीं, उसकी लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम थी ना। अरे अभी ढूंढ रही है, घर ढूंढ रही है, लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम तो फिलहाल खत्म हो गई, लेकिन अच्छी अकोमोडेशन मिलना भी तो मुश्किल है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा लैंडलॉर्ड मिल जाए। फिलहाल तो उसके बाद लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा है, घर दिया है, ऑफिस भी वहीं है, किराए का चक्कर नहीं है। तुम देखना कहीं मेरी कोई कंप्लेंट आ जाए। अच्छा अभी किरण को कभी ऐसे नहीं लगने देना कि तुम उस पर एहसान कर रहे हो। आई नो व्हाट यू मीन, बहुत खुददार लड़की है ना। नहीं करूँगा। ओके बाय। सोनू के पास बहुत लेट आई रात को, काम था ना इसलिए। नहीं ऑब्वियसली वो तो ठीक है, बता दिया करो तो परेशानी कम होगा सकता है, और कुछ नहीं। I'm sorry. नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, आदमी कई बार काम में फंस जाता है, सरस पाएंगे। ये है कि इन्फॉर्म कर दिया करो। क्या हो गया? कमाल में मिला, क्या वो रो क्यों रही हो? वो सोनू अकेला तो मैं था ना उसके साथ, and we had a great time together. मुझे मिस कर रहा होगा। हाँ वो मिस तो कर रहा था तुम्हें। मैं अब घर जल्दी आ जाया करूंगी। एक्चुअली वो मिला, That is not the point. बात यह है कि ये जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, हम दोनों मिलकर सोनू के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, एक पूरी फैमिली साथ हो, खुश हो, ये ज्यादा जरूरी है सोनू के ग्रोथ के लिए। और इन दिनों हमारे बीच जो भी तनाव है उसका असर साफ मुझे सोनू को दिखाई देता है। तनाव सिर्फ मेरी वजह से तो नहीं है। ये बात नहीं होगी, and let's not get into this blame game कि कौन किसका कितना कसूर है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। I think it's high time कि हम दोनों कुछ दिन साथ बिताएं। We need to talk. जो भी उलझन है उसे सुलझाने की कोशिश करें, गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। Start a new life afresh together. मेरे ख्याल से ये सोनू के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाय लेकर आती हूँ। बोलो सिमरन। मानस, I'm sorry, मैं सुबह सुबह तंग कर रही हूँ तुम्हें। क्या हुआ क्या? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, अस्पताल का भी फोन एंगेज आ रहा है, इसलिए तुम्हें फोन किया। अभी भी शूटिंग के लिए बाहर गए। बोलो ना बात क्या है? मानस चक्कर आ रहे हैं अचानक, और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा मुझसे। कब से लगा तुम्हें ऐसा? सुबह से। ठीक है तो मैं डॉक्टर दलाल को लेकर पहुंचता हूँ तुम्हारे पास, तुम बिस्तर पर रहना, उठना नहीं वहां से। ओके थैंक्स। सिमरन की तबीयत खराब हो गई है, शी इज फीलिंग वेरी डिजी, मैं जरा जाकर देखता हूं। क्यों, उनके हस्बैंड नहीं है? तो
तो शूटिंग पे गया हुआ है। और उनका पूरा हॉस्पिटल? कोई प्रॉब्लम है, वहाँ फोन नहीं लग रहा है। डॉक्टर सिमरन, योर बीपी इज क्वाइट हाई। हाउ हाई? 150/110। सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल आना जाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। सर अब स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है। बट डॉक्टर, मैं अस्पताल आती हूँ, काम करती हूँ तो अच्छा लगता है, यूँ घर में लेटे लेटे और तबीयत खराब हो जाती है। स्टॉप इट सिमरन, इस वक्त तुम डॉक्टर नहीं हो, पेशेंट हो। जो भी डॉक्टर दलाल कह रही हूँ उसको तुम ध्यान से सुनो एंड फॉलो दैट। सिर्फ हॉस्पिटल ही आने की बात नहीं है, वहाँ आकर स्ट्रेन होता ही है। फोन आता है अक्सर कि इमरजेंसी हो गई, इस तरह की टेंशन है। और अस्पताल में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं वहाँ हॉस्पिटल का ध्यान रखने नहीं आती, तुम सबसे मिलने आती हूँ। ओह या थैंक्स, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग आपसे मिलने आ जाया करेंगे। और दूसरी बात, एक नर्स यहाँ में रख रहा हूँ तुम्हारी देखभाल के लिए। क्या होनो मानस, प्लीज, घर में नर्स को ज्यादा नहीं हो जाएगा? आई मीन, मुझे नर्सेस की जरूरत हॉस्पिटल में, घर में नहीं। एंड अभी अभी भी प्रियंका मैं हमारे पीछे पीछे नर्स घूमेगी। हेलो उर्मिला, हाय, क्या बात है? आज ऑफिस क्यों नहीं? तबीयत ठीक नहीं क्या? हाँ, वो तबीयत जरा ठीक नहीं। अच्छा, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। ऑफिस आने का मन नहीं था तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट फोन कर दिया होता। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मानस तो घर पे ही होगा ना? नहीं, वो सिमरन के घर गए हैं। क्यों? उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। ओह, एनीवे अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। Can I ask you a question? Are you feeling guilty? हाँ, नहीं, मैं क्यों guilty feel करूँगी? तुम guilty क्यों feel करोगी? जिन्हें guilty feel करना चाहिए, वो तो कभी guilty feel करते नहीं। अजय सिंह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मानस साहब सिमरन का हालचाल पूछने उसके घर गए। I tell you. कभी कभी मानस के बिहेवियर से मुझे ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारी जरूरत सिर्फ उसके बच्चे की परवरिश के लिए है। तुम ठीक कह रहे हो। आज सुबह उसने मुझसे कहा कि हमें सोनू के खातिर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, खूबसूरत, इंटेलिजेंट। काश मुझे तुम जैसी कोई मिल जाती। मेरी तो लाइफ ही बन जाती। बताओ ना, कब आ रही हो तुम हॉस्पिटल? कल आ जाऊंगी, वैसे भी यहाँ किसी जरूरत है मेरी। बाय। फ्रूट्स मैम। रेसी, अगर ये मेरा नाश्ता है तो लंच कौन खाने वाला है? डॉक्टर दलाल और डॉक्टर मानस ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए आपके डाइट के बारे में, मैं बस उसी को फॉलो कर रही हूँ। अब आप आधे घंटे बाद लंच कर लीजिए। इससे तो अच्छा था कि मैं हॉस्टल में ही एडमिट हो जाती। मैं अपने पेशेंट्स को रोज़ डाइट रेकमेंड करती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या ठीक है। डॉक्टर सिमरन, मैंने अक्सर देखा है जो दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तुम भी तो कितना ख्याल रखती हो सबका। आप ही से सीखा है डॉक्टर, और आप ही की वजह से आज सब लोग हॉस्पिटल में कितना कमिटेड होकर काम कर रहे हैं। बहुत लकी हूँ मैं कि मेरे कलीग्स और मेरा स्टाफ इतना एफिशिएंट है। पहले से जानती तो रश्मि की शादी नहीं मिस करती, आनंदी का ऑपरेशन खुद ब खुद हो जाता। अगर आप शादी अटेंड कर लेती तो हॉस्पिटल में आनंदी के भाई से आपकी मुलाकात नहीं होती। आप दोनों की मुलाकात भी आनंदी के डिलीवरी के समय हुई, और प्यार भी तभी हुआ। ना अभिमन्यु आपके काम से इम्प्रेस होते, ना आपकी उनसे शादी होती। क्यों, ठीक कहा ना? नहीं,
देखो अभी क्या है ना, बहुत डल हो रहा है सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या चाहते हो तुम? यार मैं क्या चाहता हूँ किरण, करके दिखाओ मुझे क्या चाहिए प्लीज। If you don't mind. Shall we go for a take? Yeah. Yeah, come on, Vinny. Yaar, Mini, suno. क्या हो क्या गया तुम्हें आज? देखो इतना मॉडर्न आउटफिट पहनने के बाद तुम्हारे चेहरे पे एक्सप्रेशन ना बिल्कुल ट्रेजेडी क्वीन वाले हैं। हंसने की क्या बात है इसमें? Sorry. Listen, I'm not well. मुझसे नहीं होगा आज। तो ये तुमने पहले तो नहीं कहा था? मुझे अपना शूट कंप्लीट करना आज किसी भी हालत में। हाँ तो है ना एक पर्सनल प्रॉब्लम यार। अरे यार तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? और प्लीज बी प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की बात यहाँ पे मत करो। नहीं करूंगी तो क्या मेरे काम पर असर नहीं पड़ेगा? तो ये पहले बोलना चाहिए था, मैं किसी और को नहीं ले आता फिर? हाँ तो ले आओ ना। Hey, listen, don't talk to me like this, ऐसे मत बिहेव करो मेरे साथ, तुमने काम मेरे साथ शुरू किया है। आई विल नॉट टेक दिस क्रैप। मिनी प्लीज, वी नो यू नॉट वेल, लेकिन हमें आज ही ये टेस्ट शूट के रिजल्ट्स देखने हैं। You have to understand. सुनो. शूट कैंसिल करते हैं। मिनी तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, जाओ तुम। तुम मुझे वो लिस्ट लाके दो जो हमने बाकी मॉडल्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए थे ना। सीमा तुम जाओ ना, तुमने कुछ बोला ना, तुम जाओ। Come on, move. लिस्ट लेकर आओ किरण, लिस्ट लेकर आओ। Idiot. यार कोई ढंग का हूं मैं तो। सुनो कल के शूट के लिए जो कॉस्ट्यूम्स आए ना मॉडल के, जरा पहन के आना उनमें से कुछ। मैं? हाँ तुम पहन के आओ जरा। किरण तुम प्लीज जल्दी करो। अरे रोहित आओ ना, आओ आओ, व्हाट अ सरप्राइज। आओ बैठो जरा, हमारे कॉलेज की मजेदार किस्से सुनो। मानस कह रहे चाय फिर से? नहीं इट्स फाइन। क्या बात है रोहित, इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? सिमन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मगर तुम बहुत परेशान लग रहे हो रोहित, कुछ हुआ है घर में? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, राहुल का एक्सीडेंट हो गया। राहुल का एक्सीडेंट हो गया? हाँ कार एक्सीडेंट। कहाँ एडमिट किया उसे? AFMS में। AFMS में? नंबर दो मुझे। मानस वो ड्रॉअर में ऊपर एक डायरी पड़ी है, उसमें नंबर है, दे दो मुझे। रोहित रश्मि तो, रश्मि थी उसके साथ? नहीं रश्मि तो घर पर ही थी। एक्चुअली वो राहुल चंडीगढ़ से वापस आ रहा था, रास्ते में ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड, ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? आई मीन हेड इंजरी या कुछ? वाह AFMS में डॉक्टर रॉय है। मानस मुझे नंबर दो, मानस क्या कर रहे हो तुम? हाउ इज राहुल? रोहित मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे सच सच बताओ राहुल कैसे? Thank you.
सुमन उस एक्सीडेंट में राहुल की डेथ हो गई है।